एक दूजे के वास्ते खेलेगा क्या हुआ साहब? भाई ये चाहते हैं कि मैं इनके साथ फुटबॉल खेलूं, पर मुझे देख, मैं फुटबॉल खेलने लायक हूं क्या? फील्ड में बॉल से ज्यादा तो मैं लुढ़कूंगा, तो चाहकर भी नहीं खेल सकता। तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता ये तू नहीं, मैं डिसाइड करूंगा। आज तो तुझे खेलना पड़ेगा। जबरदस्ती है क्या? जब उसे नहीं खेलना तो जाने दे। श्रवण वो मेरा बड़ी और मैं इसके साथ जो मर्जी वो करूं। तुझे क्या बड़ी है, गुलाम नहीं कि तेरी हर बात माने, समझा? जो होगा तुम दोनों की मंजूरी से होगा। और अगर इसे टीम में रखना ही है तो एक्स्ट्रा में रख लो, तुम लोग वो पानी वानी पिला देगा। क्यों कर लेगा ना भाई? पानी क्या, जूस भी पिला दूंगा और कंधे भी दबा दूंगा। श्रवण तू अपने काम से काम रखना। अनीश अगर साहिब नहीं खेलना चाह रहा है तो उसे जाने दो ना। सुमन तुम इस मैटर से दूर ही रहो। देख अब तो साहिब नहीं खेलेगा, तुझे जो करना कर दे। मैं जानता हूँ तेरा चमचा है पर अब ये मेरा बड़ी है। अबे ओए धूमकेतु, ये मेरा चमचा नहीं दोस्त है, समझा? और हम सिविलियन को कुछ और आए ना आए, दोस्ती निभानी अच्छे से आती है। वैसे दोस्ती का मतलब पता है? फिर तो इन 10 के साथ में आए या 100 के साथ, मैं तुझे हमेशा इसके साथ इसके सामने मिलूंगा, तेरा सामना करने के लिए। तू मुझे डरा रहा है? डरा नहीं रहा, बता रहा हूं कि मेरे लिए दोस्ती कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर मैंने किसी को दोस्त बोला ना तो उसके लिए कुछ भी कर सकता। और बेटा तू तो मुझे भूल के भी ट्राई मत करना। कुरान आ रहा है। All good? Yes, sir. पर देखकर तो नहीं लग रहा है। No, sir. सब ठीक है। फिर यहाँ भीड़ क्यों लगा रखी है? Get back to your classes. Yes, sir. Sweetheart he is. अभी तक तो तू अनीश को स्वीटहार्ट बोल रही थी और उसके आगे पीछे घूम रही थी। So what, babe? Time के साथ अगर अच्छी चॉइस मिले ना तो अपग्रेड कर लेना चाहिए। ओ श्रवण। टेंशन मत ले, कल से मैं तुझे खुद पिक एंड ड्रॉप करूंगा। और सुन मेरे रहते हुए अनीश से डरने की जरूरत नहीं है, समझा? थैंक्स यार, तू कल सुबह आ जा। ठीक है, चल मार। चल
डायलॉग बाजी बड़ी अच्छी कर लेता है तू, लेकिन मुझे पता है कि तू वहां किसे इंप्रेस करने इतना भौंक रहा था। देख, मैंने किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं कहा, समझा? और मैंने तुझे पहले ही बोला था ना, मुझे ट्राई मत करना। और दूसरी बात, लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए ना मेरे पास लाखों आइडियाज हैं ब्रो, समझा? बस एक बात बताना भूल गया, पहले ही ट्राई में ग्रेड वन की लड़की इंप्रेस हो चुकी। सुमन तेरे साथ एक प्ले क्या कर रही है? तुझे लग रहा है वो तेरे ऊपर लट्टू हो गई? भाई ये बीच में ब्रिगेडियर सुमो कहां से आई? तुझे पता मैं खुद उससे 4 कदम दूर रहता हूं। फिर तू किसकी बात कर रहा है? तुझे नाम बताया तो यकीन नहीं होगा, और फिर तेरे उतरे हुए चेहरे को देखने की मेरी विश है ना, तो नहीं रह जाएगी यार। यू जस्ट वेट एंड वॉच। बाय। अगर ये सुमन की बात नहीं कर रहा था तो किसकी कर रहा था? क्या परफॉर्मेंस किया है आपने आज, सीरियसली। सुमन सुनना, मेरा बैग ले जाना अपने साथ, और तेज से कोई कुछ पूछे ना कोई भी बहाना दे देना। लेकिन तू कहाँ जा रही है? आज मैं घर बाइक से जाऊंगी। बाइक से? किसके साथ? श्रवण के साथ। हाय। हे, ऑल सेट? या। ओके, लेट्स गो। देविका इसके साथ? सबसे पहले कंग्रेचुलेशंस, जो आर्मी ने हमें इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लायक समझा। ये सिर्फ एक बिजनेस प्रपोजल नहीं, हमारी कंपनी के लिए बहुत गर्व की बात है। जेंटलमैन, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है हमारे देश के सोल्जर्स के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने की। सैंपल सबमिट करने के लिए हमें बाहर देश से इमीडिएटली ASAP मटेरियल्स मंगाने होंगे, रॉ मटेरियल्स, ताकि हम टॉप क्वालिटी के सैंपल सबमिट करके इस डील को 100% लॉक कर लें। बट मल्होत्रा जी, बाहर से मटेरियल मंगाने और उसके प्रोसेसिंग में जो इतना सारा खर्चा होगा, हम अपना मुनाफा कैसे कमा पाएंगे? बिजनेस में हमेशा मुनाफा नहीं देखा जाता है मिस्टर आनंद। मैं मानता हूं कि हम कॉर्पोरेट सेक्टर से हैं, लेकिन इन्वेस्ट को बनाने में हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि इन बुलेट प्रूफ वेस्ट की क्वालिटी पर ही हमारे देश के सोल्जर की लाइफ डिपेंड करती है। मिस्टर प्रबोध खुराना एंड मिस्टर केतन मिश्रा, आप दोनों मुझे इस प्रोजेक्ट के मटेरियल रिक्वायरमेंट्स में असिस्ट करेंगे। ओके, एनी डाउट्स? सो देन लेट्स गेट टू वर्क। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। ओए, देविका कहाँ है? क्यों, तुझे हर चीज की रिपोर्ट देनी है? सब कुछ जानना होता है। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, नाराज क्यों हो रही है? कुछ हुआ क्या? प्ले अच्छा नहीं गया? अच्छा, लोग तारीफ करके पागल हो गए, इतना अच्छा था। वैसे मुझे हैरानी नहीं हो रही है, तू बचपन में मिरर के सामने कितनी एक्टिंग करती थी। मैंने पहले कभी प्ले नहीं किया। तुम्हें क्या लगा ये आसान होगा? आज जो कुछ भी पॉसिबल हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, वरना मैं तो इट्स ओके। सो स्टूपिड, सच में सिविलियंस इतने इजीली बेवकूफ बन जाते हैं।
अरे वो थोड़ा ना वो स्क्रू जो है ना उसको ऐसे करो। अरे कहाँ से नहीं होगा, लगता मैकेनिक बुलाना ही पड़ेगा। अरे तुम लोग यहाँ से पैदल निकल लो। क्या मामी ये तो यार गलत बात है, पहले बता दिए होते तुम भी ना यार। बस ये देखिए एक सिविलियन की बाइक पे बैठी हो, कहीं स्कूल में रैपो ना डाउन हो जाए तुम्हारी। ना तुम बाकी सिविलियंस की तरह नहीं हो, इनफैक्ट तुम किसी आर्मी किट से कम नहीं हो। अच्छा सच तो कह रही हो ना? या ऑफ कोर्स। ठीक है कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ फिर। क्या मैकेनिक, मैंने कुछ नहीं करा, मैं ट्राई तो करता। अरे भाई लग गई, मेरा मास्क टूट गया यार जी। भाई हटा गाड़ी, ठेला हटा दे। अरे मैंने बोल दिया ना ठेला हटा। अरे वो जान दो, सब्जी तो फिर उग जाती, गाड़ी उग जाती, मतलब नहीं है। ठीक है भाई हटा गाड़ी। सही है, किसकी तो निकल पड़ी यार। ठेला हटा सर। अरे मैंने बोल दिया ना ठेला हटा। और पहलवान कैसा है? एकदम मस्त। तू ये स्कूल से पैदल क्यों आ रहा है? अरे अब क्या बताएं मियां, हमारी जो किस्मत है ना वो तो पहले से ही खराब है, और आज हमारी स्कूल की जो वैन है वो भी खराब हो गई। तुम वैन से आते जाते हो? OMG बेब, ये वो सिविलियन स्कूल में पढ़ता है ना इसीलिए। कितना बड़ा झूठा है, दोस्त को इशारे करके देविका को बेवकूफ बनाकर पटा रहा है। तुम शाम को तो मिल रही है ना भैया? अब भाई अब तुम लोगों से मिलने का टाइम ही कहा है मेरे पास। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया सुमन। मैंने क्या किया? तूने क्या किया? प्लीज देख, जिस पेड़ को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया उसका फल ये देविका की बच्ची खा रही है। प्लीज शट अप। मैं तेरे साथ रही ना तो मेरा भी कुछ नहीं होने वाला। और सुन, अगर किसी सब्जेक्ट में कोई हेल्प चाहिए ना तो कॉल मी, मैं तुझे अपने स्कूल के नोट्स दूंगा। ठीक है? हाँ बाबा, कॉल तो आएगा तुम्हें हमारे पास से। हाँ ब्रो, मिलते हैं। बाय बाय। ठीक है ना सर? रिलैक्स। संजय तुम कई सालों से मेरे साथ हो और तुमने तो मेरे लिए गोली भी खाई है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपनी ड्यूटी में किसी भी तरह की कोई कमी रखता हूं, या मैंने कभी पर्सनल रिश्तों को देश से ऊपर रखा? सर आप गोली तभी किसी के लिए खाते हैं जब आप उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह मेरे दिल में आपके लिए। और ये रिस्पेक्ट इसलिए है सर क्योंकि मैंने हमेशा आपको देश को पहले पायदान पे रखते हुए देखा है। और एक चीज मैं दावे के साथ कह सकता हूं सर, आपकी इंटीग्रिटी पे आपके दुश्मन भी सवाल नहीं उठा सकते। संजय लेकिन अब मुझे डर है कि उन्हें सवाल उठाने का मौका मिल जाएगा। ये लेटर हाईकमांड से आया है, मिस्टर देवराज मल्होत्रा को आर्मी के लिए बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने का जो ऑर्डर मिला है उसकी सैंपल टेस्टिंग के लिए कर्नल राणे और मुझे अपॉइंट किया गया है। मैं इस डील का हिस्सा कभी नहीं बनना चाहता था। आई डोंट नो व्हाई दिस इज हैपनिंग टू मी ओनली, आई डोंट नो व्हाई। सर सर मे आई? हाँ बोलो। सर एक तरह से देखा जाए तो ये अच्छा ही है, आप इंस्पेक्शन के दौरान खुद क्वालिटी चेक करेंगे तो आपको भी विश्वास रहेगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ कायदे कानून के हिसाब से हो रहा है। और अगर आपको वेस्ट सही ना लगे तो आप उसे रिजेक्ट कर सकते हैं और
मेरे हिसाब से सर आपकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के लिए यह बिल्कुल सही रहेगा। एज क्या है तुम्हारी? सर 28, 28। उम्र से ज्यादा सोच लेते हो। गुड, वेरी गुड। थैंक यू सर, सही कह रहे हो। जा सकते हो। जयंत सर। जयंत। हाँ संजय। यस सर। सुबेदार साहब की स्पेशल रिक्वेस्ट पर बीना ने घर में सेवैयां बनाई हैं। जरा जाकर ले आओ। ठीक है सर। जयंत। जयंत। वाह सेवैया, हाँ क्या खुशबू है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पहले तुम्हारे हाथ चुमू के सेवैया खाऊं। हटो अभी, मुझे बहुत देर हो रही है, वैसे ही लेट हो गया। भाई आज तो पूरे फौजियों की शामत आने वाली है। क्यों? अरे भाई अब तुम्हारे हाथ की सेवैया खाएंगे तब उन्हें अपने घरों की याद तो आएगी कि नहीं आएगी। कुछ भी बीना जी भाभी, ये लो इसमें भर दो। जी भाभी। कहीं जा रहे हो भैया? नहीं, मुझे जूते और कपड़े पहन के नहाने में बहुत मजा आता है। कितने स्वीट हो, पता है मुंह खोलते हो ना तो ऐसा लगता है चॉकलेट बरस रही हो। काम क्या है ये बोल। भैया मुझे ना फोटोकॉपी की शॉप तक छोड़ दो। मेरी प्यारी बहना, बाहर से रिक्शा पकड़ और चली जा, तुझे वही सूट करता है। अरे भैया सुनो तो। सुमन रुक रुक रुक। सुमन क्या हुआ चाची? ये मल्होत्रा साहब के यहाँ देती जाना। क्यों? ले पकड़। अरे उन्होंने हमें छोले भिजवाए थे तो क्या हम खाली डिब्बा भिजवा देंगे? और वैसे भी इसमें ना श्रवण की फेवरेट डिश है सेवैया। चाची प्लीज मैं नहीं जा रही। ज्यादा नखरे मत दिखा, बगल में जाने में डर रही है तो बॉर्डर पे कैसे जाएगी? मैं किसी से नहीं डरती। तो फिर जा देकर निकल जाना, वरना कर्नल साहब के आने पर उनसे कह दूंगी कि आपकी कैडेट बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, सीनियर की बात नहीं मानती। और चाची सिर्फ आपके लिए जा रही हूँ, पापा की धमकी की वजह से नहीं। बहुत मेहरबानी। और वैसे भी बाइक की बैकसीट ना बहन को बिठाने के लिए नहीं होती, समझी? ओ हेलो, बोल तो आप ऐसे रहे हो ना जैसे रोज नई गर्लफ्रेंड बैठाते हो कि बाइक की। ओए ज्यादा मत बोल, अभी मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्योंकि मेरी चॉइस है, मजबूरी नहीं। वो तो मैं खुद लड़कियों को भाग नहीं देता, वरना मैं जब चाहूँ गर्लफ्रेंड बना सकता, समझी? भैया कम से कम इतना फेंको कि मैं लपेट सकूं। और तूने उतनी बकवास किया था जितना मैं संभाल सकूं। And listen, मेरे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा, तू निकल यहाँ से, चल। अरे मजा ले किसी की जो अवनी की इंसल्ट कर रहे हो उसे जाने दे, मैं तो बैठूंगी बाइक में। भूल जा, बाहर से रिक्शा पकड़ और निकल। इतने रख रहे तो ना मेरे भाई के भी नहीं जितने उनके बाइक के। मैं तो जा रही हूँ। वैसे आपको लिफ्ट दे दूँ किसी रिक्शा में? तू निकलेगी? हाय आपनी, एक मिनट इधर आना। रुक मैं देखता हूँ ये मुसीबत की दुकान यहाँ क्या कर रही है। को क्या हो गया? आंटी के लिए सेवैयां भेजिए। एक सेकंड, ये डब्बा तो मेरा टेस्ट पास करने के बाद ही घर में जाएगा। वो क्या है ना, जरा हम भी तो देखें कि पड़ोस के बंदूक पकड़ने वाले हाथों को करछी पकड़नी भी आती है क्या। बाय द वे सेवैयां मेरी फेवरेट है। अच्छा पहली बार पता चला। सही है यार, किसने बनाई? मैंने। वाह तुम तो ऑलराउंडर निकली। ये सिविलियंस कुछ भी मान लेते हैं। एक काम कर, तू ये ले जाके फ्रिज में रख, मैं शाम को आके खाता हूँ, ठीक है? अब
अपने ना सारे काम करवा लो, लेकिन मेरे मत करना। जाना। बाय तो बोल के जाती। सुमो बुलाया? नहीं, मैंने सुनो बोला। अच्छा, मेरी ना बाइक खराब हो गई है और मुझे बंटी से मिलने जाना है, क्या तुम मुझे ड्रॉप कर सकती हो प्लीज? एक मिनट, भूल गए तुम, स्कूल के बाहर हम स्ट्रेंजर्स हैं, बडीज नहीं। बाहर से रिक्शा लो और जाओ। अरे अरे सुनो तो। यार ऐसे तो कोई स्ट्रेंजर के साथ भी नहीं करता। अच्छा सुनो तो। क्या है, जल्दी बोलो, मुझे जाना है। बड़ी के खातिर नहीं, देश के खातिर मुझे ड्रॉप कर दो। मैं तो बस देश के लिए फर्ज निभाने को कह रहा हूँ। देश की खातिर? देखो, हम दोनों अलग अलग जाएंगे तो डबल पेट्रोल वेस्ट होगा, डबल पेट्रोल वेस्ट होगा तो डबल पॉल्यूशन होगा, उस डबल पॉल्यूशन से देश के एनवायरमेंट को डबल खतरा। पर अगर तुम चाहो तो उस डबल खतरे को कंट्रोल कर सकती हो मुझे ड्रॉप करके। इस देश को बचाना तुम्हारा फर्ज है कि नहीं? है ना, है ना? तो बस देश की भलाई के लिए मुझे ड्रॉप कर दो। मुझे पता था तुम मान जाओगी। मेरा देश महान। देश के लिए आर्मी वाले कुछ भी मान जाते हैं। अरे वाह, मन तो था अपने पीछे किसी लड़की को बैठा के ले जाने का, लेकिन मिनटों में खुद ही लड़की के पीछे बैठ के जा रहे। मेरा भाई तो ना दूर निकला। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।